हेलो एवरीवन इन ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जहां हम प्राइम रहे हैं आज का हमारा क्वेश्चन है गिविन द डोअर ऑफ द फॉलोइंग एल्पी इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट वन में ड्यूअल इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन और उससे इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स कराए हैं अगर आप मेरे चैनल फ्री हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो क्वेश्चन है हमारे पास मैक्सिमम जेड इज इकुल टू टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस एक्स थ्री कंस्ट्रेंस हमें दे रखे हैं फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू सिक्स एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री इज इक्वल टू फोर एंड एक्स वन कोमा एक्स टू और कोमा एक्स थ्री शुड बी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू जीरो जब हमें प्राइमल टू तो डुअल की फॉर्म में लेके जाना पड़ता है अगर हमारे पास हमारा प्रॉब्लम हमारे पास मैक्सिमम फॉर्म में है तो मैंने इन स्टार्टिंग पहली फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको हमारे पास कुछ इस तरह से इसमें फॉर्म होती है अगर हमारे पास प्राइमर फॉर्म हमें मिनिमम में दे रखी होती है तो उसकी कैनोनिकल फॉर्म में साइन सभी कंस्ट्रेंट के इस तरह से होने चाहिए और डुअल में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम में हमें उस प्रॉब्लम को जा करना पड़ता है और मैक्सिमम में करने के लिए हमारे पास साइन हमारे पास ये होना चाहिए अगर हमारे पास प्राइमल की प्रॉब्लम मैक्सिमम में है तो उसकी कैनोनिकल फॉर्म इस फॉर्म में होनी चाहिए और डुअल में जाने के लिए हमें उसे मिनिमम में फ़ाइंड आउट करना पड़ता है ठीक है अगर हमारे पास प्रॉब्लम मैक्सिमम में है तो उसे मिनिमम में कन्वर्ट करेंगे मिनिमम में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये साइन यूज़ करना पड़ेगा तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास ये है हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमम के फॉर्म में तो मीस मैक्सिमम की फॉर्म है तो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म क्या होनी चाहिए इस तरह की लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारी प्रॉब्लम दी हुई है इसको हमें कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ठीक है मीन्स मैक्सिमम में है तो इसको हमें पहले से प्रॉपर किस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा स्टैंडर्ड प्राइमर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा तो उसमें तो सल्यूशन देखते हैं फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट वी शैल राइट द गिवन इक्वेशन ये प्रॉब्लम भी हो सकते हैं इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म एज फॉलोस वोसंस फर्स्ट स्टेप सिंस इट इज़ अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मीन्स हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मैंने यही वो यही लिखा है कि सिंस इट इज़ अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑल द कंस्ट्रेंट मस्ट इन्वॉल्व द साइन तो किस साइन में होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल इट्स इक्वल टू के साइन में जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको अभी कि कैनोनिकल फॉर्म में अगर मैक्सिमम में लेके आना तो हमें इस फॉर्म में से कन्वर्ट करना पड़ेगा तो द फर्स्ट इक्वेशन द कंस्ट्रेंट इज इक्वेल टू मीन्स अब हम इसको चेंज करते हैं ये जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेन है इक्वेशन है अब इसको चेंज करेंगे तो इस इक्वल टू में अगर इसको ये हमारे पास है तो हमें इसको मैक्सिमाइजेशन के मतलब इज इक्वल टू हटाना है तो कैसे लिखते हैं कि फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस एक्स थ्री लेस देन इज इक्वल टू सिक्स भी कर सकते हैं और फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस एक्स थ्री ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू सिक्स ठीक है इज इक्वल टू के बाद हमने इसको इस तरह से चेंज कर लिया अब यहाँ देखो ये तो हमारी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है ठीक है लेकिन ये तो नहीं हो रहा ना ये तो मिनिमम मिनिमाइजेशन के फॉर्म में हो रहा है ठीक अब इसको कन्वर्ट करेंगे ता, मैं यहाँ लिखूंगी द सेकेंड कैन बी रिटर्न एज जो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से माइनस के फोर एक्स वन माइनस के थ्री एक्स टू माइनस के एक्स थ्री लेस देन और इज इक्वल टू माइनस के सिक्स तो अब ये देखो ये हमारी मैक्सिमाइजेशन की कैनोनिकल का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ठीक है ये हो गया अब सेकेंड यहाँ ये जो सेकंड इक्वेशन है इसकी बात करेंगे तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास थर्ड पॉइंट जाएगा इसका द सेकंड इक्वेशन ये कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं इक्वेशन कंस्ट्रेंट इज इक्विवेलेंट टू हमें प्रॉपर स्टेप से क्वेश्चन एग्जाम में करना है तो हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं यहाँ देखो अब हम लिखेंगे एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री लेस देन इज इक्वल टू फोर और किस तरह से लिखते हैं एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री ग्रेटर एन इज इक्वल टू फोर ठीक है हम अपनी प्रॉब्लम्स को इस तरह से चेंज कर सकते हैं और अभी जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है इसको भी हमें मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में लाना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ देखो द सेकेंड इक्वेशन द सेकेंड कैन बी दी सेकेंड कैन बी रिटर्न है जो सेकेंड है इसको भी मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे माइनस से करेंगे माइनस के एक्स वन माइनस के टू एक्स टू सिर्फ इस वाले कंस्ट्रेंट में ठीक है माइनस के फाइव एक्स थ्री लेस देन इज इक्वल टू माइनस के फोर ये भी हमारी मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अब हम इन सभी इक्वेशन को एक साथ लिख लेंगे ठीक है द LPP एल पी पी इन दाइमर फॉम द स्टैंड प्राइमर फॉर्म इज क्या होगी मैक्सिमाइजेशन में तो पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड प्राइमर फॉर्म में ही बनाना था तो वो है हमारे पास टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस एक्स थ्री जो क्वेश्चन में दिया हुआ था अब यहाँ जो इसके कॉफिसेंट है एक्स के उसको हम अलग अलग लिख देंगे जैसे कि टू कोमा थ्री कॉमा वन जैसे टू थ्री और यहाँ वन और ये कौन से वेरिएबल्स में एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री ठीक है अब हमने क्या बोलते हैं इसको क्या बोल जाते हैं बोलते हैं सी और ये एक्स की फॉर्म में है तो इसको एक्स सच टेट जो कंस्ट्रेंट है अब इन सब कंस्ट्रेंट को हम एक साथ लिखेंगे ये वाले जो भी हमने कंस्ट्रेंट फाइंड आउट करे तो ये और इसी को चेंज करके हमने ये फाइंड आउट कराया ये और इसी को हमने री रि रीराइट कराया ये तो हम सबको अब एक साथ यहाँ लिख देंगे देखिए तो हम लिखेंगे फर्स्ट ये वारा फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस एक्स थ्री लेस देन इज इक्वल टू सिक्स अब इसी को भी हमने मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में यहाँ अलग चेंज कराया तो माइनस के फोर एक्स वन माइनस के थ्री एक्स टू माइनस के एक्स थ्री लेस देन इज इक्वल टू माइनस की सिक्स फिर सेकेंड इक्वेशन में जो हमारे पास था तो एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री लेस देन इज इक्वल टू फोर ठीक और ये जो हमने रीराइट लिखा था माइनस के एक्स वन माइनस के टू एक्स टू माइनस के फाइव एक्स थ्री लेस देन इज इक्वल टू माइनस के फोर तो हमारे पास कंस्टेंट आ गए ये अब हम क्या करते हैं ये जो कंस्टेंट है इसको अब हमें मेट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ देखो हमने एक मैट्रिक्स बुक्स बनाया जो जिसकी कॉफिसेंट है हम उसको इस तरह से लिख देंगे तो फोर माइनस के फोर वन वन यहाँ थ्री माइनस के थ्री टू माइनस के टू यहाँ क्या है वन इसका कॉफिसेंट माइनस वन फाइव देन माइनस के फाइव ठीक है फिर यहाँ लिख देंगे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री फिर लेस देन इजिको टू साइन इसी तरह से है और ये वाली वैल्यूज हम राइट हैंड साइड की इस तरह से लिख देंगे फोर माइनस की फोर हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है अब हम इसको क्या बोल देंगे और इसको हम बोलेंगे ए यहाँ ये एक्स की फॉर्म है लेस देन इजिको टू इसको बोलेंगे हम बी ठीक है एंड ये जो x1, x2 और x3 हैं ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू है किसे जीरो से उसके बाद हमें आप ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई स्टैंडर्ड प्राइमर फॉर्म हमें इसे डुअल में चेंज करना है क्योंकि हमारी कुछ प्रॉब्लम तो वही है ना कि प्राइमर टू हमें डुअल की फॉर्म में सॉल्व करना है ठीक है क्वेश्चन में हमसे प्राइमर टू डुअल ही बोला गया है हमें कहा है कि गिव द डुअल ऑफ द फॉलोइंगयर पे भी तो पहले तो हमारी प्रॉब्लम किस में होनी चाहिए प्राइमर फॉर्म में होनी चाहिए जब प्राइमर फॉर्म में हो जाती है उसके बाद हम उसे डुअल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो हमने प्राइमर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अब इसको डुअल में चेंज करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे द डुअल

यहाँ देखिए ये यह जो हमने सी एक्स था अब इसकी जगह हमें लिखना है यहाँ पे बी B बी डब्लू बी डैस डब्लू ठीक है सी एक्स की जगह अब हमें लिखना है बी डैस डब्लू अब ये बी डैस क्या होगा ये होगा ये क्योंकि बी तो हमारे पास ये था ना अब इसका डैस कहेंगे वन इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा सिक्स माइनस सिक्स फोर माइनस के फोर डब्लू क्या है वो हमारे अलग वेरिएबल्स हैं अब देखो ये भी सिक्स है ये भी सिक्स है ये फोर है ये फोर है मीन्स वैल्यूज़ तो सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्लू वन कोमा डब्लू वन डबल डैश मींस इसको तो हम बोलेंगे डब्लू वन डैस मीन्स डब्लू वन डैस का मीन्स सिक्स तो और डब्लू वन डबल डैश का मतलब माइनस के सिक्स अब यहाँ देखो डब्लू टू डैस मीन्स फोर और डब्लू टू डबल डैश माइनस के फोर ठीक है हमने ऐसा क्यों करा अभी आपको बाद में पता चलेगा कि हमने मैंने इसको डैश डबल डैश इस फॉर्म में क्यों लिखा डब्लू वन डब्लू टू डब्लू थ्री डब्लू फोर क्यों नहीं लिखा तो इसको मैं आगे आपको आपको समझ में आ जाएगा इसका ओबियसली कि हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा अब ऐसे भी क्यों लिखेंगे जब हमारे पास दो वैल्यू सेम होती हैं ठीक है तो इसलिए हम इसमें जैसे कि सिक्स माइनस सिक्स है तो इसका मतलब डब्लू वन डब्लू वन लिख सकते हैं और यहाँ पे फोर माइनस फोर है तो हम नेक्स्ट डब्लू टू ही लें ठीक है इसके बाद इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे सेम जिसकी सिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ मीन्स सिक्स डब्लू वन डैस फिर ऐड करेंगे मीन्स माइनस के सिक्स डब्लू वन डबल डैस फिर प्लस फोर डब्लू टू डैस माइनस के फोर डब्लू टू डबल डैस तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई मीन्स हमारे पास मिनिमम ऑफ Z क्या हो जाएगा ये आ गया ठीक है अब हमें इसके कंस्ट्रेंट भी फाइंड आउट करने हैं ठीक है अब हमने इसके कंस्ट्रेंट लिखने हैं तो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे मतलब फर्स्ट हमने क्या लिखा था इसको जो हमारी प्राइमल फॉर्म थी अब ये सब पैटर्न जो है मीन्स एक्स बी ये तो हमारे इतना तो प्राइमल के लिए था अब डुअल में करने के लिए हम देखो क्या लिखेंगे यहाँ हम करेंगे ए डेज और यहाँ पर तो एक्स था जो कि एक्स की बात हो रही थी अब हमने तो डब्लू लिया ना तो हम यहाँ लिखेंगे डब्लू अब हमारी प्रॉब्लम मिनिमम में है डुअल हमारा मिनिमम में हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए साइन कौन सी यूज़ करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू होना चाहिए किससे अब यहाँ पे तो हमारे पास बी था जो हमारा ऑब्जेक्टिव है अब हमारे पास क्या बचा सी तो लेस देन इज इक्वल टू होता है सी या ये दो ही स्टेप हैं ये फॉर्म आपको याद रखनी है और एक यहाँ पर हमें ये डुअल के लिए है फोम और यहाँ आपको इसको प्राइमल के लिए याद रखना है बस इतना करना है उसके बाद आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं आप इजीली एग्जाम क्वेश्चन को कर सकते हैं हमारे पास ये देखिए कि ए डेस्क क्या होगा मीन्स जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये वाली ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है मीन्स जो रोज़ हैं उसको हमें कॉलम में चेंज करना है देखिए किस तरह से करते हैं जो रो है मीन्स फोर थ्री वन इसको कॉलम में लिखना है फोर थ्री वन सेकेंड रो को भी कॉलम में चेंज कर दो माइनस के फोर माइनस के थ्री माइनस के वन फिर वन टू फाइव वन माइनस के टू माइनस के फाइव ठीक है ओमेगा हमारे पास हमने कितने वेरिएबल्स लिए हैं ओमेगा वन डेस इसको यहाँ लिख लो देखो ओमेगा वन डैश लिया था सेकेंड हम अब ओमेगा है यहाँ हमारे पास रोज़ में लिखा है इसको कॉलम में लिखेंगे ठीक है ओमेगा वन डबल डैश ओमेगा टू डैश डब्लू टू डबल डैश अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी हमारे पास क्या थे टू थ्री वन इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे टू थ्री वन ये हमारी डुअल फॉर्म बन गई लेकिन हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है कंस्टेंस की मीन्स इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखना है ठीक है अब इक्वेशन के फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है और ये भी हमारे पास मैट्रिक्स है अब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर देंगे फोर की मल्टीप्लाई करेंगे हम डब्लू वन से डब्लू वन डेस फिर ऐड करेंगे इसमें माइनस के फ़ोर डब्लू वन डबल डेस हो जाएगा फिर वन की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ फिर ऐड करेंगे फिर वन की इसके साथ ऐड करेंगे बस ऐसे ही करना है डब्लू टू प्लस डब्लू टू डबल डेस लेस दन इज इक्वल टू टू ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की बात अब सेकंड की बात करते हैं थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री वन डैस माइनस के थ्री अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डबल डैस टू की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस टू डब्लू टू डैस माइनस के टू डब्लू टू डबल डैस ग्रेटर देन इज इक्वल टू तो आ जाएगा थ्री ठीक है अब थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो वन वा, वन की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मीन्स डब्लू वन डैश माइनस के डब्लू वन डबल डैस प्लस के फाइव डब्लू टू डैश माइनस के फाइव डब्लू टू डबल डैस डेज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू वन अब हमने इतना तो कर दिया अब आपने वो अभी मैंने पहले बोला था कि आप क्यों बोलेंगे कि मैम हमने डब्लू वन डब्लू डैश डब्लू टू टू डबल डैस ये लिखा इसका यूज़ कहाँ करा आपने अब देखते हैं यहाँ देखो पहले तो हम बता देंगे कि डब्लू वन और डब्लू वन डबल डैस डब्लू टू डैस डब्लू टू डबल डैस शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो इतना कर ये भी हमारी डुबल फॉर्म में चेंज हो गया लेकिन अब हमने बताया था ना कि ये जो डैस लिए हैं इसको हम और ठीक तरीके से कैसे कैसे हाँ इसका यूज़ कर सकते हैं तो राइटिंग अब देखो डब्लू वन डैस माइनस डब्लू वन डबल डैस को हम ले रहे हैं क्या बोल रहे हैं डब्लू वन एंड डब्लू टू डैस माइनस डब्लू टू डबल डैस को हम क्या ले रहे हैं डब्लू टू तो मेन मीन्स जो हमारी मेन डुअल ऑफ द प्रॉब्लम्स आएगी द डुअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज क्या होगी हमारे पास मिनिमम ऑफ Z जो कंस्टेंट था वो क्या था यहाँ देखो वो इक्वेशन थी ये अब इसमें से यहाँ देखो मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकती हूँ सिक्स अंदर क्या बचेगा हमारे पास डब्लू वन डैस माइनस के डब्लू जैसे सिक्स कॉमन लिया इसमें से अंदर बचेगा डब्लू डैस प्लस फोर यहाँ से मैंने फोर कॉमन लिया तो क्या बचेगा फोर डब्लू टू डैस माइनस के डब्लू टू डबल डैस अभी अभी हमने क्या बोला कि राइट कर रहे हैं डब्लू वन डैस माइनस डब्लू वन डबल डैस को क्या बोल देंगे डब्लू वन सिक्स डब्लू वन लिख देंगे प्लस इसको फोर डब्लू टू लिख देंगे तो मेम मिनिमम ऑफ जेडी इस फॉर्म को हमने और ही ज़्यादा इजी बना दिया है ठीक है इसी तरह से इन वाले कंस्टेंट्स में भी देख लेंगे क्या कॉमन निकल सकता है ठीक है यहाँ देखते हैं तो अब हम सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट यहाँ से देखिए फोर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा डब्लू वन माइनस के डब्लू वन डबल टेस्ट तो इसको हम डब्लू वन लिख सकते हैं प्लस ये डब्लू टू डैश और यहाँ पर भी प्लस यहाँ पे माइनस है हमारे पास हमारे पास यहाँ माइनस है आप एक बार करेक्ट कर लें सॉरी बच्चों कॉफिसेंट एक्स वन का माइनस वन था तो हमारे पास यहाँ पर भी माइनस वन आ जाएगा ठीक है ये माइनस वन आएगा तो ये भी माइनस वन होगा प्लस अब डब्लू टू डैस माइनस डब्लू टू को हमने क्या लिख लिया डब्लू टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू सेकेंड इक्वेशन में इसमें हमने थ्री को कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर बचेगा डब्लू वन डैस माइनस के डब्लू वन डबल डैस प्लस अब इसमें से टू कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास डब्लू टू डैस बचेगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू थ्री भी लिख सकते हैं फिर यहाँ पर ये देखो ये हमारे पास हो जाएगा डब्लू वन प्लस फाइव डब्लू टू इज इक्वल टू वन एंड डब्लू वन कॉमन डब्लू टू शुड भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं अब यहाँ हम बता देंगे इस फॉर्म में एंड डब्लू वन एंड डब्लू टू हमारे पास क्या हो जाएंगे आर बोथ अनरेस्ट्रिक्टेड साइन अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन ठीक अनरिस्ट्रिक्टेड साइन क्या हो गए क्योंकि हमने डब्लू वन और डब्लू टू को क्या बोल दिया है डब्लू हमने बोला है डब्लू वन डेस माइनस डब्ल्यू वन डबल डेस एंड डब्ल्यू टू को बोला है डब्लू टू डेस माइनस डब्लू टू डबल डेस अगर हम इसको इतना भी एग्जाम में छोड़ देंगे तभी हमारा क्वेश्चन सही है लेकिन और अपने रिजल्ट को और बेटर बनाना है और अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमने और लाइट कर लिया अगर हम यहाँ पर कुछ भी कॉमन ले सकते हैं ठीक है कॉमन निकाल कर आप देखो कि हम अपनी इक्वेशंस को और किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं उस तरह से शॉर्ट करके हमने वहाँ ये राइट करा लेट लिखा और उसके बाद इसको और इजीली शॉल्व करा आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मिलता है नेक्स्ट वीडियो बाई नेक्स्ट